मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाबी क्लास। डियर स्टूडेंट्स, साड़ी आज दी वीडियो दा विषय तुका नाल संबंधित है। तुका तो भाव है गुरु साहिबान दे पवित्र मुखार बिंद तो उचरी हुई बाणी दियां सतरां। बेशक गुरु साहिबान द्वारा रची सारी बाणी जीवन दर्शन नाल भरपूर है, पर गुरबाणी दियां कई तुकां आम ही लोक मूहां ते अखौतां जां कहावतां दे रूप विच चढ़ गईयां हन। इसे प्रकार इस वीडियो विच असीं जिस तुक उपर चर्चा करांगे ओ तुक है मन जीते जग जीत। हाँ जी, साडी अज दी वीडियो दा विषय है मन जीते जग जीत लेख, जो कि गुरबाणी दी एक तुक है। सब तो पहला असी इस लेख दी चर्चा गुरबाणी दी इस तुक तो ही शुरू करांगे। आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत। भूमिका, हुण असी इस तुक नू एक्सप्लेन करन तो पहला जां इस दी व्याख्या करन तो पहला बाकी लेखा वांग इस लेख की भी एक भूमिका तैयार करांगे, जो कि इस प्रकार है। विद्यार्थी मेरी इस भूमिका नूं सुनन तो बाद अपने विचारां मुताबक खुद भी भूमिका तैयार कर सकते हैं। भूमिका, भारत की धरती ऋषियां मुनियां अते पीरां फकीरां की धरती है। इन्हां ऋषियां मुनियां पीरां फकीरां अते महापुरशां ने समय समय ते कई वेदां पुराणां अते ग्रंथां दी रचना कीती है, जिन्हां विच उहनां ने मनुखी जीवन नाल संबंधित कई अटल सच्चाइयां अते तत्थां नूं तुकां दे रूप विच बयान कीता है। इह तुकां मनुखी जीवन लई प्रकाश पुंज दे समान हन, क्योंकि इहनां विचलियां सिखियावां मनुख नूं सही सेध प्रदान करदियां हन, उस दे आचरण नूं उसारू अते शुभ बनाउंदियां हन। इसे तरह गुरु नानक साहिब द्वारा रची बाणी दियां कई तुकां मनुखी जीवन दा आधार होण कारण जां अखुट सच्चाई दियां धारनी होण कारण आम ही लोक मूहां ते चढ़ गईयां हन, जिन्हां विच्चों एक तुक है मन जीते जग जीत। अर्थ, हुण असीं इस तुक दा अर्थ डिस्कस करांगे। मन जीते जग जीत गुरु नानक देव जी दी रची बाणी जपजी साहिब दी 27वीं पौड़ी विच दर्ज है। इस तुक विच गुरु जी ने जीवन दी अटल सच्चाई नू पेश कीता है। गुरु जी इस तुक विच दसदे हन कि मनुख जदों अपने मन ते काबू पा लैंदा है तां ओ सारी दुनिया नू जित लैंदा है। इस तरह मन जीते जग जीत तुक दा अर्थ यह है कि मनुख द्वारा अपने मन विचले विकारां नू जित के दुनिया दा जेतू संसार दा जेतू बनना है, भाव विकारां तों मुक्ति दी अवस्था ही मन दा जेतू होण दी अवस्था है। अगला पॉइंट है मन की है। सब तो पहला हुण यह जानना जरूरी है कि मन की है। मन साडे शरीर दियां पंज ज्ञान इंद्रियां दा एक हिस्सा है। जे यह कह लईए कि ज्ञान इंद्रियां लई सारे काम ही मन करदा है तां इस विच कोई झूठ नहीं है। मन एक अजही चीज है जिस विच खाण पीण, रहण सहण, पहनण ते खाण पीण दे विचार पैदा हुंदे हन। इन्हां चीज़ां दी पूर्ति लई मन मनुख नूं उकसाउंदा है। ओ मनुख नूं चंगे मंदे
कम करन लई प्रेरित करदा है। इस तरह मन एक अधिक अते अशुह अंग है। हाँ जी, अगला पॉइंट है, मन नू जितन तो की भाव है। हुण सवाल इह पैदा हुंदा है कि मन नू जितन तो की भाव है। मन नू जितन तो इह भाव है कि मन नू इस हिसाब नाल वरत्या जावे कि ओह अपनियां इच्छावां लालसावां दी पूर्ति लई मनुख ते भारू होण दी कोशिश ना करे। वो झूठ फरेब बेईमानी चोरी ठगी लई मनुख नू उकसाउण दी कोशिश ना करे। वो खुदगर्जी नू त्याग के दूसरियां दे भले लई सोचे, दूसरियां दियां इच्छावां बारे सोचे। बस जदों मनुख मन नू इस पासे ला लैंदा है तां समझो कि उसने मन ते काबू पा लिया है, अर्थात मनुख ने मन नू जित लिया है। क्योंकि मनुखी मन पारे वांग चंचल है, जो घोड़े नालों भी ते हवा नालों भी तेज दौड़ता है। मन दी तुलना उस अथरे घोड़े नाल भी कीती जांदी है, जो इधर उधर नचदा टपदा रहिंदा है। मन दी तुलना इंजन दी भाफ नाल भी कीती जांदी है, जिसनू खुली छड़ दिता जावे तां इह नुकसानदायक सिद्ध हुंदी है। परंतु जे इसनू ठीक ढंग नाल वरतों विच लियांदा जावे तां इह सार्थक सिद्ध हुंदी है, अर्थात इह वड्डियां वड्डियां मशीनां नू भी चला सकती है। इह मनुखी मन ही है जो मनुख नू चंगे बुरे रस्तियां ते चलण लई प्रेरित करदा है। हाँ जी, हुण साडा अगला मुख अंश है जां मन नू जितन दी लोड़। जिंदगी विच तरक्की करन लई जां बुरियां कम्मां तों बचण लई मन ते काबू पाउणा अति जरूरी है। परंतु मन ते सौखियां काबू नहीं पाया जा सकता। परंतु जे मनुख दी इच्छा शक्ति प्रबल ते बलवान है तां ओह कुछ भी कर सकता है। ए मन ही है जो मनुख नू उच्चे उच्चे महलां दे सुपने लैण लई मजबूर करदा है, ते ठगी चोरी बेईमानी झूठ फरेब जबर जुलम आद वल प्रेरित करदा है। इस तो भाव है कि वह मनुख नू खुदगर्जी वल प्रेरदा है। परंतु जे मनुख खुदगर्जी नू त्याग के समुचे समाज दे लाभ ले जां होर लोक कल्याणकारी कम्मां विच लगावे, दूजियां दे लाभां ते इच्छावां दा ख्याल रखे, तां अजिहे मनुखां दे मन नू ही जित्या होया मन आख्या जा सकदा है। हाँ जी, अगला पॉइंट है, मन दियां इच्छावां दुखां दा कारण। मनुख संसार विच जिन्ने दुख मुसीबतां झलदा है सब मन दी बदौलत ही हन, क्योंकि ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਚੋਰੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ते कुदरत दे भाणे अनुसार चल के अपनियां इच्छावां नूं सीमित जहे दायरे विच रखदा है, हमेशा सुख पाउंदा है। कहिंदे हन कि अजिहा व्यक्ति अपने मन ते काबू पा लैंदा है, भाव मन नूं जित लैंदा है। मन ते काबू पाउण दे लाभ। मन ते काबू पाउण नाल जां मन नूं जितण नाल मनुख दी पटकणा मुक जांदी है। ओह एक अदुत्ती शक्ति प्राप्त करन दे योग हो जांदा है। अजही शक्ति प्राप्त करन नाल ओह बेमिसाल काम कर सकदा है। मन ते काबू पाउण नाल मनुख अंदर नेकी, कुर्बानी, पर उपकार जिहियां भावनावां पैदा हुंदियां हन, ते ओह हर वड्डी तों वड्डी कुर्बानी करन लई तैयार हो जांदा है। महाभारत विच जे दुर्योधन अपने मन ते काबू नहीं पा सकिया तां ही सारे विनाश दा कारण बनिया। महाराजा अशोक मन ते काबू पा के हमेशा लई जंग त्याग के अहिंसावादी बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है मन नूं जितण दे साधन, भाव इह कि मन नूं किवें जितिया जा सकता है। मन नूं जितना कोई बच्चियां दी खेड नहीं है। मन ते काबू पाउण लई जोगियां, नाथां, तपस्वियां ने कठिन तप कीते, गृहस्थ जीवन त्यागिया, समाधियां लगाइया, वर्त रखे, पर मन नूं ना जित सके। गुरबाणी विच इन्हां सारे साधना नूं व्यर्थ किया है, क्योंकि इन्हां सारे साधना दा असर शरीर ते पैंदा है, मन ते नहीं। शरीर धोण नाल मन दी पवित्रता नहीं हुंदी। कबीर जी लिखदे हन, ग्रहे तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा, अजू बिकार न छोड़े पापी मन मंदा। इसलिए गुरबाणी दसदी है कि मन नूं जितण लई मनुख नूं एक संतुलित जीवन जीवना चाहिदा है। गृहस्थी जीवन विच रहिंदियां हरेक किस्म दियां मुश्किलां दा सामना करदे हुए अपनियां इच्छावां लालसावां ते काबू पाउणा चाहिदा है। इच्छावां नूं सीमित दायरे विच रखण नाल बंदे दा ध्यान रब वल लगदा है, परंतु इस सहज मार्ग ते चलण वास्ते पूर्ण गुरु दी बख्शिश चाहिदी है। गुरु नूं प्राप्त करन ते जितण दी पहली पौड़ी है। कबीर जी फरमाउंदे हन, कबीर सतगुर सूरमे बाहया बान जो एक, लागत ही पोए गिर परिया परा कलेजे शेक। इस तुक तों भाव है कि सतगुरां ने उपदेश दा अजिहा तीर मारिया कि जिस दे लगदियां ही ओह धरती ते डिग पिया ते उस दे सीने विच शेक पै गया, भाव होमे दा खात्मा हो गया। इस तरह इस दे निमाणा ते निताणा होण नाल मन जितिया गया। उसनू किसे भी संसारक जीव चीज नाल मोह नहीं रहिंदा। उसनू ना कोई वैरी ना ही बेगाना दा अनुभव हो जांदा है, ते ओह सर्ब सांझे धर्म नू अपना लैंदा है। इसनू ही संसार नू जितिया आखदे हन। हाँ जी, साडा लास्ट पॉइंट है सारंश। सोहत रसा सिरे ते गंढ दे कथन अनुसार अंत विच मुकदी गल इह है कि इस तुक दा तत् सार इह है कि मन नू जितन तों भाव विकारां तों मुक्ति दी अवस्था है। जो मनुख पंज प्रकार दे विकारां जिवें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार तों
छुटकारा हासिल करके इन्हां उपर जित प्राप्त कर लेंदा है। ए सहज मार्ग दा रस्ता गुरु दी सिख्या ते चल के ते परमात्मा नाल जुड़ के ही प्राप्त हो सकता है। इस मार्ग ते चल के ही मनुख मन दा जेतू ते फिर संसार दा जेतू हो निबड़दा है। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस तरह असी इस वीडियो विच तुका नाल संबंधित लेख मन जीते जगजीत दे उपर चर्चा कीती है ते इस तत्सार नू समझन दी कोशिश कीती है कि मन नू जितन तो की भाव है ते मन नू जितन वाला संसार दा जेतू किवें हो जांदा है। इस तरह निचोड़ यही निकलता है कि जो इंसान अपने मन दे विकारां ते काबू पा के अपने मन विच परमात्मा दा वास कर लैंदा है, वह सारी दुनिया लई परउपकारी नेक पुरख बन जाता है ते इस तरह दुनिया दे मना ते राज करके दुनिया दा जेतू हो निबड़दा है। स्टूडेंट्स, तुका नाल संबंधित कई होर भी लेख हन जिवें कि मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां तत्त, नानक दुखिया सब संसार आदि। इन्हां सारे तुका नाल संबंधित लेखां नूं तुसीं इस लेख दे अनुसार अपने विचारां दे आधार ते अपनी जानकारी दे आधार ते पूरी तरह कलमबंद अपने विचारां नाल कर सकते हो, अपने शब्दों विच कर सकते हो, क्योंकि तुकां नाल संबंधित हर लेख दे मुख अंश उस लेख दे सिरलेख अनुसार वक्रे वक्रे हुंदे हन। धन्यवाद।